नवरात्रि एक हिंदू त्योहार है जो 9 रातों तक चलता है और हर साल चैत्र और शरद ऋतु के मौसम में मनाया जाता है। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वहीं रेवाड़ी के सबसे पुराने व भव्य 12,000 दुर्गा मंदिर में भी नवरात्रों के समय हजारों की संख्या में भक्तों की आवाजाही लगी रहती है। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। रेवाड़ी के भक्तों का माँ दुर्गा के प्रति अटूट विश्वास है। उनका कहना है, इस मंदिर में आके हमारी हर मनोकामना पूरी हुई है। इसीलिए यहाँ केवल रेवाड़ी से ही नहीं बल्कि अन्य जगहों से भी लोग आते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस बार नवरात्र पूजन के उत्साह को लेकर मंदिर के पुजारी व श्रद्धालुओं ने क्या कहा। जय माता दी। आपका नाम? जी, मेरा नाम पंडित अयोध्या प्रसाद तिवारी जी। और आज माता का तृतीय दिवस है, नवरात्रि पावन पर्व का चल रहा है और चंद्र घंटा माता की पूजा हुई जी। हमारे इस मंदिर प्रांगण में नवचंडी महायज्ञ हर वर्ष चलता है, जो कि आज के प्रमुख यजमान है अक्षय गुप्ता जी। आज उन्होंने सपरिवार पूजन किए और ये मंदिर 12,000 दुर्गा मंदिर रेवाड़ी श्री सिद्धपीठ माता रानी का दरबार स्थापित है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, जो कि सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और माँ चंद्र घंटा के बारे में कुछ खास बातें आप भक्तों को बताना चाहेंगे? माँ भगवती चंद्र घंटा सभी का कल्याण करने वाली माँ देवी है, शांति का स्वरूप है और चंद्र सुशोभित है और इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र से शोभित हैं। इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा होती है। पूजा करने वाला व्यक्ति माँ भगवती के जो पूजन करता है वो पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माँ भगवती का ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह से संबंध है, इसलिए जो भी भक्त इनके अपने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है वो पूर्ण पराक्रमी और साहसी हो जाता है। माँ चंद्र घंटा उसके साथ सदा सहाय रहती है और उसकी पूर्ण तरह से विजय प्राप्त करवाती है। जय माता जी। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता जी। जी, कहाँ से? मैं रेवाड़ी से ही है। हाँ जी, ये हमारी माता रानी का एक विशाल मंदिर है पूरे रेवाड़ी के अंदर जी। हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ जो सेवादार है बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं सबके साथ और अच्छी माता रानी की पूरी सेवा करते हैं। यहाँ के पंडित लोग हैं बहुत अच्छे से श्रद्धा भाव से सबकी भावनाओं को समझते हैं। पूरे व्यवस्था के साथ हर एक की श्रद्धा पूरी होती है यहाँ पे आने के बाद और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय माँ ज्वाला। इस बार जो शारदीय नवरात्र चले हुए हैं इसमें आप क्या खास करने वाले हैं अपनी तरफ से? कीर्तन होता है जी, दर्शन करने आते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं जी। माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हम चले जाते हैं जी। आपका नाम? कहाँ से हैं आप? रेवाड़ी का। अच्छा, सुनने में आया है ये मंदिर बहुत ही पुराना है और लोगों की जो श्रद्धा है वो सालों से जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और जी, सबकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं जी। इस बार नवरात्रों में आप क्या खास करने वाली हैं? इस बार नवरात्रों में डांडिया प्रोग्राम हो गया, डांडिया का प्रोग्राम है यहाँ पे, महिला मंडल का पाठ भी है सारे, सप्तमी को होगा, यहाँ भंडारा भी होता है, कन्या पूजन का प्रोग्राम होता है यहाँ पे जी। पहले तो जी, इस बार आपका नाम? सबसे पहले हमारा नाम संतोष है जी। कहाँ से? रेवाड़ी से जी। इस बार शारदीय नवरात्रों को लेकर आपका उत्साह कितना है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नवरात्रों को लेकर हर बार ही बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं जी। और जैसे कन्या पूजन होता है हमारे में, जैसे नौ देवियाँ हैं उनका हर दिन अलग अलग पूजन होता है जी। और यहाँ हर दिन अलग जोड़ा बैठता है पूजा के लिए जी, दुर्गा मंदिर में जी। और हमारे यहाँ पे सिद्धि सिद्धि का त्रिशूल है, भक्त लोग बाहर से आते हैं और उनपे मोली बांधते हैं, उनकी इच्छाएँ पूरी होती है तो वो माँ को खूब मनाते हैं। और नवरात्रों में जैसे हमें फल फ्रूट खाना चाहिए, कोई विधि होती है अन्न को छोड़कर खा सकते हैं और रात के दूध वगैरह ले। इस बार नवरात्रों में क्या खास करने वाले हो आप? बस खास तो क्या है, यहाँ तो हमेशा ही नवरात्र में दिवाली की तरह मनाए जाते हैं, ये समझ लो खूब धूमधाम से। आप जैसे
सरस्वती का पाठ है जी, और जब महीने के लास्ट वाला संडे आता है उस दिन सुंदरकांड का पाठ किया जाता है जी। तो जैसे अष्टमी है जी, अष्टमी पे कन्या पूजन होता है और नवमी पे हमारे हवन होता है जी, और उसमें भंडारा भी होता है जी। दूर दूर से श्रद्धालु प्लस स्वामी का प्रसाद भी लाते हैं, और वैसे भी दर्शन के लिए बहुत लाइन लगी होती है, बहुत धूमधाम मची होती है, भीड़ जबरदस्त होती है।